नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में खबरें होंगी उत्तराखंड से। सबसे पहले बात पौड़ी की, जहां पर एक कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई और इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, तीन लोग जख्मी हुए हैं। कार में सात लोग सवार थे। घायलों को SDRF की टीम ने CHC में भर्ती कराया, जहां से दो लोगों को गंभीर हालत में ऋषिकेश एम्स के लिए एयरलिफ्ट किया गया। हेलीकॉप्टर से दो लोगों को ऋषिकेश एम्स लाया गया। दरअसल कठुली गांव से कार बारातियों को लेकर जा रही थी। गांव वालों के मुताबिक ड्राइवर नशे में था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। आज भी पौड़ी में जो घटना हुई है, तुरंत दोनों मरीजों को हम यहाँ ले आए हैं और अभी तुरंत उनका उपचार शुरू हो गया है। मैं कह सकता हूं कि जो संभव हो सकता है। ये सड़क हादसा होती SDRF की टीम हमारी मौजूद थी, जिसने सभी को बिल्कुल राहत कार्य करते हुए जो मृतक थे उनको भी निकाला है। घायलों को हमने हॉस्पिटल पहुंचाया टाइम रहते हुए, और तीन जिसमें चार लोग मृत हो गए हैं और तीन घायल हैं, जिसमें से दो को एयरलिफ्ट करके हमने एम्स में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर बताया जा रहा है कि शराबी कर जो वाहन चालक है वो वाहन, ये तो जब जांच होगी उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा क्या कारण रहा। फिलहाल तो हम, क्योंकि सबसे पहले हमें उनको बचाना था जो घायल थे। और पौड़ी हादसे पर CM धामी ने ट्वीट किया, उन्होंने अधिकारियों को घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने लिखा है, हमारी सरकार पीड़ितों की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। बाबा केदार से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। इधर रुद्रप्रयाग हादसे में घायल हुए लोगों से मिलने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश एम्स में पहुंचकर घायल लोगों से उनका हालचाल जाना, साथ ही एम्स में भर्ती अपनी मां के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली। ये तस्वीरें जहां CM योगी आदित्यनाथ को उनकी मां से बातचीत करते आप देख रहे हैं। दरअसल CM योगी आदित्यनाथ की मां की आंखों का ऑपरेशन इसी अस्पताल में हो रहा है। मां से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री, और मां भी अपने बेटे को सामने देखकर देखिए किस तरह से हंसती हुई बात करती हुई नजर आ रही हैं। तो अपनी मां के हाथों को पकड़े हुए CM योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जहां पर घायलों से मिले इसी ऋषिकेश एम्स में वो लोग भर्ती हैं जो यूपी के हैं, जो हादसे का शिकार हो गए थे, उनका इलाज चल रहा है। इन सभी लोगों से भी मुख्यमंत्री ने आज मुलाकात की। सबसे पहले इन घायलों से ही मुलाकात की, इनका हालचाल जाना, इनके तीमारदारों से मुलाकात की, और उसके बाद अपनी मां का हालचाल जानने के लिए पहुंचे जहां पर उनकी मां की आंखों का ऑपरेशन हो रहा है। रुद्रप्रयाग हादसे में घायल दो युवकों को ऋषिकेश एम्स के लिए एयरलिफ्ट किया गया। एक युवक हल्द्वानी और एक यूपी के मथुरा का है। दोनों कल बद्रीनाथ हाईवे पर हुए हादसे में जख्मी हो गए थे। दोनों का ऋषिकेश एम्स में इलाज जारी। तो रुद्रप्रयाग के भीषण सड़क हादसे में घायल 12 लोगों का इलाज जारी है। रुद्रप्रयाग और ऋषिकेश एम्स में घायलों का इलाज चल रहा है। कल हुए हादसे में कुल 14 लोगों की मौत हो गई थी। CM धामी ने हादसे को लेकर जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही आगे ऐसा हादसा ना हो इसके लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी परिवहन विभाग को दिए हैं। सभी यात्री भी अलग अलग स्थानों के थे, उसके जांच के आदेश दे दिए हैं। इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हो उसके लिए हमारा जो परिवहन विभाग है उसको भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऋषिकेश एम्स में एक बार फिर बवाल मच गया। यहां एक डॉक्टर पर महिला नर्सिंग अधिकारी को थप्पड़ मारने का आरोप लगा, जिसके बाद नर्सिंग स्टाफ ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलहाल डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। ये कितना बदतमीज इंसान है, बेवकूफ औरत, कुछ कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। सिर्फ इतना गंदा, मैं भी बोल सकती हूँ। अरे चुप, तू चुप,
ऋषिकेश एम्स में बवाल, थप्पड़ का आरोप और जोरदार हंगामा। एक तरफ डॉक्टर है तो दूसरी तरफ अस्पताल की नर्सिंग ऑफिसर, दोनों की गर्मा गर्म बहस हो रही है। कहा सुनी के बाद बात इतनी बढ़ गई जिसके बाद तो दोनों ने शब्दों की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा। ये कितना बदतमीज इंसान है, बेवकूफ औरत, कुछ कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। सिर्फ कितना गंदा मैं बोल सकती हूँ। अरे चुप, तू चुप, कहाँ से निकल, तू निकल, बेवकूफ लड़की, तू है, तू है, तू है, जो तू बोल रहा है तू सब है। अरे यार, सब है तू। मौके पर दूसरे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की टीम भी है। दोनों को समझाने की भरसक कोशिश हुई लेकिन दोनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ है। कोई भी समझने को राजी नहीं है। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। किसी तरह डॉक्टर को वहां से दूसरी जगह ले जाया गया। आप सिर्फ अपने ईगो के बारे में बात करें, मैं पेशेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। प्लीज पेशेंट को ले जाइए यहाँ से, आप क्यों नहीं समझ रहे? उधर मास कैजुअल्टी आई हुई है, आपको कुछ अक्ल है कि नहीं यार? मेरे को है, मैं इस वार्ड में काम कर रही हूं, है मेरे को अक्ल। अरे यार, ये मेरे पहला पेशेंट लेके आया हूं। ये पर्सनल ईगो का इशू बना रही हो तुम। पेशेंट को यहाँ से ले जाओ प्लीज। मास कैजुअल्टी है, ये नहीं समझ में आ रहा क्या? घटना शनिवार की बताई जा रही है। आरोप है कि यहाँ डॉक्टर ने महिला नर्सिंग ऑफिसर को चांटा जड़ दिया। वाद विवाद शुरू होने के बाद तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। आरोप है कि रुद्रप्रयाग हादसे में घायल हुए यात्रियों के लिए ऑपरेशन थिएटर को खाली कराया जा रहा था। इसी बात को लेकर डॉक्टर और महिला नर्सिंग ऑफिसर के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। गुस्साए नर्सिंग अधिकारियों ने सीएमएस ऑफिस के आगे प्रदर्शन कर मामले में कार्रवाई की मांग की। फिलहाल डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। पिछले दिनों ऋषिकेश का एम्स अचानक चर्चा में आ गया था जब एक नर्सिंग ऑफिसर पर महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। इसके बाद तो अस्पताल में काफी हंगामा हुआ। अब एक बार फिर इसी एम्स में बखेड़ा खड़ा हो गया। ऋषिकेश से न्यूज 18 के लिए आशीष डोभाल की रिपोर्ट। ये कितना बदतमीज इंसान है, बेवकूफ औरत, कुछ कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। सिर्फ इतना गंदा मैं भी बोल सकती हूँ। अरे चुप, तू चुप, कहाँ से निकल, तू निकल, बेवकूफ लड़की, तू है, तू है, तू है, जो तू बोल रहा है तू सब है। अरे यार, सब है तू। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के पतंजलि फूड पार्क के कर्मचारियों में झड़प हो गई जिसके बाद फैक्ट्री के गेट के बाहर कर्मचारियों के बीच ईंट पत्थर और बेल्ट चलने लगे। घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें दर्जनों लोग एक दूसरे पर हमला करते दिख रहे हैं, पत्थर और बेल्ट से हमले कर रहे हैं। मारपीट की घटना में दो लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में काम को लेकर कर्मचारियों में कहासुनी हो गई थी जिसके बाद देखते ही देखते झड़प में तब्दील हो गई और कर्मचारियों के दो गुट आपस में भिड़ गए। घायल पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने दूसरे पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस इस वक्त मामले की जांच में जुटी है। अल्मोड़ा से बड़ी खबर। सोमेश्वर के रणमन में दो लड़के नदी में डूब गए, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। द्वाराहाट के रहने वाले थे दोनों। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है द्वाराहाट से, जहां पर सोमेश्वर के रणमन में दो लड़कों के डूबने की खबर है और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इधर देहरादून में इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, संगठन महामंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बैठक में सभी को आने वाले दिनों के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई तो लोकसभा चुनाव में कम काम करने वाले कमेटी के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आगामी चुनाव जीतने के लिए सब मिलकर काम करेंगे।
प्रमुख कार्य पूरे चुनाव का होता है और इसमें हमारे सभी जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, प्रमुख पदाधिकारी थे, उन्होंने अलग अलग विभागों में पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया है। और आगे चूंकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी के होने हैं, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन सभी में सबकी सहभागिता होनी, हमारा सरकार और संगठन सब मिलकर आगामी कार्यक्रमों को भी सफल बनाएंगे। जो हमारे सामने आने वाले चुनाव हैं, उन चुनावों में भी हमारा संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हमारे पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, सारे लोगों ने काम किया है, उनके माध्यम से हम सबको धन्यवाद भी करते हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। बीजेपी ने मंगलौर और बद्रीनाथ सीट के उपचुनाव की जिम्मेदारी दोनों क्षेत्रों के सांसदों को सौंपी है। बद्रीनाथ सीट का जिम्मा पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी को सौंपा, तो वहीं मंगलौर सीट में चुनाव का जिम्मा हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत संभालेंगे। मंत्री धन सिंह रावत को बद्रीनाथ सीट पर इलेक्शन मैनेजमेंट प्रभारी बनाया गया है, तो मंगलौर में ये जिम्मेदारी पूर्व मंत्री यतीश्वरानंद को सौंपी गई है। उस क्षेत्र के लोकसभा के सांसद हैं और अनिल बलूनी जी को मैंने पौड़ी लोकसभा के अंदर बद्रीनाथ विधानसभा के पालक के रूप में उनको दायित्व दिया है और त्रिवेंद्र जी को मंगलौर के विधानसभा के पालक के रूप में रहेंगे। पूरा चुनाव उनकी देखरेख में होगा, उनके नेतृत्व में होगा और बद्रीनाथ और मंगलौर सीट इस बार हम अच्छे मतों से जीते, इसके लिए वो रात दिन पूरे उस क्षेत्र में प्रयास करेंगे। पौड़ी के कुछ अशासकीय स्कूलों में क्लर्क और टीचर्स की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया। सीएम धामी ने मामले में एसआईटी जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पारदर्शिता सरकार का संकल्प है और सरकार इसी पर काम कर रही है। हमेशा से हमारी पारदर्शिता हमारा संकल्प रहा है और उस ध्येय को लेकर सरकार काम कर रही है। कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की भी अगर इस प्रकार की गलतियां आती हैं, इस प्रकार का जो है कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है, तो निश्चित रूप से उसमें जांच होनी चाहिए। ये हम लगातार जांच कर भी रहे हैं और इस पे भी हमने जांच के लिए कहा है। कल सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा दोपहर में होगा। नैनीताल आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पेयजल, वन अग्नि यानी कि जंगल में आग की घटना, साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं। उत्तराखंड में उद्यान विभाग में हुए घपले के मामले में सीबीआई कार्रवाई कर रही है। कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती घपले की जांच का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। वहीं हरिद्वार में कृषि विभाग में घपलेबाजी सामने आ गई। मंत्रियों के विभागों में घपलों को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने इसे गंभीर मसला बताया। दुष्यंत गौतम ने कहा कि इस बात की जानकारी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि मंत्रियों के विभागों की जांच होनी चाहिए ताकि घपले सामने आ सके। कोई भी हो, गंभीर होता है, पारदर्शिता और ईमानदारी से समर्पण भाव से काम करने का हमारा संकल्प है। उस दौरान अगर कोई ऐसी वैसी घटना घटती है तो सरकार पर्याप्त उस पर संज्ञान भी लेती है और काम भी करती है। ऐसी कोई भी चीज बर्दाश्त होनी चाहिए कि इन सारी घटनाओं में मंत्रियों का कितना दोष है। कोऑपरेटिव में जांच होनी चाहिए, जो भर्ती घोटाला हुआ उसमें धन सिंह रावत जी का क्या इन्वॉल्वमेंट है उसकी जांच होनी चाहिए। इसी तरीके से अन्य विभागों का भी जो विषय है जांच होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जल संरक्षण अभियान के तहत आज उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने बग्याल गांव में आयोजित जल उत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। इस मौके पर उन्होंने पौधारोपण किया। कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने कहा कि इन दिनों राज्य का काफी क्षेत्र जंगलों की आग की चपेट में है, जो बहुत ही चिंताजनक है। पर्यावरण को हो रहे नुकसान की प्रमुख वजह मानवीय गतिविधियां ही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस संकट से निपटने के लिए प्रयासरत है। आने वाला कलेव जल की समस्या को लेकर आज उसकी चिंता करने के लिए कार्यक्रम में आयोजित कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमारी प्रदेश सरकार ने 10 तारीख से 16 तारीख तक इस सप्ताह को मनाने का निर्णय लिया, आज मैं इसी उत्तरकाशी के स्थान पर उपस्थित हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की महिलाएं बहुत जागरूक मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ की बहुत दिखाई दे रही है और वैसे किसी जानकार ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध यदि होगा तो जल पे होगा, यानी कि आने वाला कल जो है जल के संकट के लिए कुछ भी हो सकता है।
2013 की आपदा में मरने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए बद्रीनाथ धाम केदारनाथ धाम में विशेष पूजा रखी गई, साथ ही मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें 2013 की आपदा में 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। केदारनाथ आपदा की वर्षी पर आज मैं उन सभी हुतात्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा के पश्चात जो बीभत्स दृश्य देश दुनिया ने केदारपुरी का देखा था, उस समय कई तरीके के आशंकाएं मन में आती थी, कई सवाल उठते थे कि क्या फिर से केदारपुरी नए स्वरूप में उभरेगी, जो यात्रा है केदारपुरी की क्या वो फिर से संचालित होगी, सुचारू होगी। लेकिन आप जानते हैं कि वर्ष 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पदभार ग्रहण किया, तो उन्होंने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण को अपनी प्राथमिकताओं में सम्मिलित किया। साल 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के बाद से ही केदारपुरी का नजारा पूरी तरह से बदल चुका है। केदारनाथ का भव्य और दिव्य रूप देने का काम चल रहा है। केदारनाथ पुनर्निर्माण काम पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और पीएम खुद पूरे काम का ब्यौरा अधिकारियों से लेते रहते हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण 2 जोन में काम पूरा हो चुका है। मंदिर के सेंट्रल एक्सेस और अप्रोच रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। केदारपुरी के पुनर्निर्माण के अंतर्गत 50 फीट चौड़े गलियारे का कार्य पूरा हो चुका है और इसी के साथ केदारनाथ धाम में 54 मीटर स्पान हेतु सेतु का निर्माण हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो पुनर्निर्माण के कार्य केदारपुरी में चल रहे हैं, उससे केदारपुरी एक दिव्य और भव्य स्वरूप लेती जा रही है। आप जानते हैं कि केदारपुरी उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां विकट है, मौसम चुनौती बना रहता है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी निर्माण एजेंसियां हैं वो तत्परता के साथ में कार्य कर रही हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वो केदारपुरी को नया स्वरूप प्रदान करने में निरंतर जुटे हुए हैं। इधर बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रविवार को भगवान बद्रीनाथ धाम पहुंचे। यहां वो 17 जून से लेकर 19 जून तक भव्य कथा का आयोजन करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम पहुंचे और इसके बाद खाक चौक आश्रम पहुंचकर भगवान बजरंगबली की विशेष पूजा अर्चना की। बोल बागेश्वर धाम की। अब ऑल इंडिया परमिट वाली गाड़ियों से आदि कैलाश यात्रा की जा सकेगी। दरअसल बीते दिनों स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिसकी वजह से सिर्फ स्थानीय गाड़ियों को ही इस रूट पर चलने का यहां पर स्वीकृति थी, लेकिन अब देश भर की गाड़ियां इस रूट पर जा सकती हैं। अगर किसी गाड़ी को रोका गया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा तीर्थ यात्रियों से अवैध वसूली को रोकने के लिए भी एक टीम का गठन किया गया है। डीएम ने साफ किया कि नियमों के तहत ही तीर्थ यात्रियों से शुल्क लिए जाए। कैलाश के लिए सारी गाड़ियां, सारी टैक्सी गाड़ियों को जो उनके पास ऑल इंडिया परमिट है उनको भी अलाउ है और सभी को अलाउ है। तो जैसा कि कुछ संज्ञान में आ रहा है कि लोकल्स के द्वारा वहां पर अवैध वसूली की जा रही है, तो इसके लिए एक मीटिंग भी बुलाई गई थी, जिसमें आरटीओ और एसडीएम साहब ने भी मीटिंग ली थी, और अगर इस तरह की घटना कोई संज्ञान में आती है तो हम लोग उसके अगेंस्ट कड़े एक्शन लेंगे। इधर कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मालन नदी पर बन रहे पुल का निरीक्षण किया। रितु खंडूरी ने काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। आपको बता दें मालन पुल बरसात में बाढ़ की वजह से टूट गया था, जिसके बाद पुल को दोबारा से बनाया जा रहा है। कोटद्वार विधायक ने निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करते हुए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को काम में तेजी लाने के साथ ही दिसंबर महीने के आखिर तक पुल को यातायात के लिए सुचारू कर देने के निर्देश दिए। कि मैंने उनको डेडलाइन दी हुई है और उस वक्त तक काम होना चाहिए, और लेट लतीफ़ी की बात हो रही है, लेकिन टेक्निकल काम है, सिस्टम से होता है, तरीके से होता है, इसलिए हो सकता है थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन उनका दिसंबर 24 डेडलाइन है एंड आई एम होपिंग कि उस समय तक बन जाएगा।
नैनीताल में पर्यटकों को बाइक से एंट्री नहीं मिलेगी। दरअसल बकरीद के बाद भारी संख्या में पर्यटक नैनीताल आ सकते हैं। शहर में जाम की स्थिति बन सकती है। जाम से लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि बाइक से आने वालों पर रोक लगा दी गई है। इन सभी बाइकर्स को पुलिस ने शहर से बाहर रोकने का प्लान बनाया है। इन बाइकर्स को रूसी बाईपास और नारायण नगर में पार्किंग की जाएगी। यहां से सैलानी शहर से में शटल सेवा से ही प्रवेश कर सकेंगे। देखिए, बाइक टूरिस्ट के लिए पहले भी बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि नैनीताल में बाइक टूरिस्ट को अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये लोग आएंगे, उसके बाद में शटल सर्विसेज से नैनीताल टाउन में आ सकते हैं, क्योंकि उनकी वजह से जो बाकी टूरिस्ट है और जो सामान्य परिवहन है वो भी प्रभावित होता है। तो इन लोगों के लिए डेजिटेड जो पार्किंग है वो आइडेंटिफाई की गई है, वहाँ पर पार्क करेंगे, उसके बाद में शटल सर्विसेज से ये नैनीताल या अपना कैचीधाम में जा सकते हैं। और पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहाड़ टॉप 10 में बकरीद का त्यौहार के लिए राजधानी देहरादून में भी बकरी मंडी में कई प्रकार के बकरे दिख रहे हैं। इस मौके पर कारोबारियों ने विशेष तैयारी की। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित द्वारा आषाढ़ मास की संक्रांति पर भगवान भैरवनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, विश्व शांति की कामना की गई। अल्मोड़ा के बिनसर क्षेत्र में लगी जंगल की आग को 4 दिन बाद बुझाया गया। आग बुझाने के लिए वन विभाग के साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्मी के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। हरिद्वार में गंगा दशहरे के स्नान को लेकर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, सबने लगाई आस्था की डुबकी। गंगा दशहरा पर हरिद्वार में भारी भीड़, हर की पैड़ी पर दिल्ली की तरफ के रास्ते में लगा लंबा जाम। गंगा दशहरा पर्व पर हजारों की संख्या में तीर्थयात्री और स्थानीय श्रद्धालु गंगोत्री पहुंचे, सुबह से ही यहां पर श्रद्धालुओं की लंबी कतार दिखी। पिथौरागढ़ में पेयजल संकट को लेकर प्रदर्शन, कई संगठनों ने गांधी चौक पर किया धरना। कपकोट में गर्मी से मिली राहत, झमाझम बारिश से गिरा तापमान। धूमाकोट में कौथिंग का आयोजन, संस्कृति के साथ ही शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देना मकसद, गढ़वाल के व्यंजनों को भी किया जा रहा प्रमोट। नैनीताल में बाइक से जाने वालों की एंट्री बैन, जाम से निजात के लिए फैसला, बाइकर्स को शहर के बाहर ही रोकने की प्लानिंग। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।